जो हमारे विधिवेताओं ने जो बनाया है उसकी ये हत्या करने का प्रयास है। हम समस्त सदस्यगण जो आज अविश्वास शिवचरण जी के उसमें उपस्थित हुए थे, उसमें सभी एक मतेन आठों लोगों ने मतदान किया, आठों अविश्वास के पक्ष में हम लोगों ने मतदान किया, एक भी मत शिवचरण के पक्ष में नहीं पड़ा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि धन बल और बाहुबल के सामने आज लोकतंत्र की हत्या आप सबके सामने देखने को मिल रही। जो नौवां सदस्य आपके साथ नहीं है, वो क्या मानते हैं, उनसे आपकी बात हुई है, क्यों नहीं आए वो? उनसे दूरभाष पर कोई संपर्क नहीं हो पाया, कल तक दूरभाष पर संपर्क हुआ था, वो आना चाह रहे थे। हमारी जो सदस्य हैं चंद्रवती अठिया जी, वो यहाँ मतदान करने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर दूरभाष से कल के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया और जहाँ वो जिस स्थिति में थी उनकी अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वो कहाँ हैं और कैसी हैं। धनबल और बाहुबल की बात आप कर रहे हैं, तो ये आरोप आपके किसके ऊपर है? ये हमारे शिवचरण पटेल जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर हम ये आरोप लगाते हैं। और ये स्पष्ट है, चार साल जिला पंचायत का गठन हुए हो गए हैं, चार साल में एक भी एजेंडे पर कोई भी सदस्य का यहाँ पर कभी दस्तखत नहीं करवाए गए, कोई भी कार्रवाई रजिस्टर पर आज तक किसी सदस्य के दस्तखत नहीं कराए गए। मनमानी तरीके से जिला पंचायत चलाई जा रही है, हम लोगों को सिर्फ उपस्थिति पंजीयन पर दस्तखत कराए जाते हैं, इसी को लेकर के हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद पथरिया विधायक रामबाई भी अध्यक्ष के पक्ष में अपने शामिल हुई थी और काफ़ी बवाल हुआ था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विधायक? वो तो साथ में रहेंगी क्योंकि उनने साथ में उनके मिल के सब कुछ घोटाला किया है, गबन किया है, पैसों का दोनों का साथ में था, तो वो तो उनका पक्ष लेंगे और साथ में सारी हम लोकतंत्र की हत्या कर रही वो नगर दी वो जिले में चल रही पूरी। राघवन जी, क्या आप चूँकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष रही हैं श्रीमती रामबाई जी, तो अध्यक्ष शिवचरण पटेल जी रहे और उपाध्यक्ष रामबाई जी, तो उनका प्रयास है कि किसी भी तरह से जो इन लोगों की मिलीभगत चलती रही उसका पर्दाफाश ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया। क्योंकि रामबाई बीएसपी से बिलोंग करती हैं, शिवचरण भाजपा से बिलोंग करते हैं, ये गठबंधन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश में इस प्रकार का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ दमों में दिखाई दे रहा है, आगे आप लोग समझदार हैं।